जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सच्चा दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सच्चा दरबार मिला। जिनके चरणों में दुनिया झुकती, मुझे अनमोल वो प्यार मिला। जिनके चरणों में दुनिया झुकती, मुझे अनमोल वो प्यार मिला। अंबर ढूंढा सागर ढूंढा, गुरु सा कोई अनमोल नहीं। कोई अनमोल नहीं। गुरु से बढ़ कर इस दुनिया में दूजी कोई सौगात नहीं। गुरु से बढ़ कर इस दुनिया में दूजी कोई सौगात नहीं। शायद मेरे अच्छे कर्म थे, सतगुरु तेरा प्यार मिला। शायद मेरे अच्छे कर्म थे, सतगुरु तेरा प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सच्चा दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सच्चा दरबार मिला। अपने रंग में रंग डालो, किसी और रंग की चाह नहीं। अपने रंग में रंग डालो, किसी और रंग की चाह नहीं। गुरु का प्यार पाके प्यारे, दुनिया की परवाह नहीं। गुरु का प्यार पाके प्यारे, दुनिया की परवाह नहीं। बड़े भागी मैंने गुरु को पाके, नाम अनामी पा लिया। बड़े भागी मैंने गुरु को पाके, नाम अनामी पा लिया। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सच्चा दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सच्चा दरबार मिला। तेरे दर्शन को नैन के दर्शन दिया करो। तेरे दर्शन को नैन बावरे, आके दर्शन दिया करो। दया दृष्टि की वर्षा करके, हर पल मुझसे मिला करो। दया दृष्टि की वर्षा करके, हर पल मुझसे मिला करो। हर एक सांस में सिमरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा। हर एक सांस में सिमरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सच्चा दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु
सतगुरु का सच्चा दरबार मिला। जिनके चरणों में दुनिया झुकती, मुझे अनमोल वो प्यार मिला। जिनके चरणों में दुनिया झुकती, मुझे अनमोल वो प्यार मिला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसे आप कहीं कट गए हो, थोड़ा सा खरोच लग गया है, दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसके ऊपर में ऐसे पट्टी लगा देता है, चिपका देता है, बैंडेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बैंडेज को चिपका देता है। अब बैंडेज को जब आप छुड़ाते हो, ऐसे जब छुड़ाओगे तब इसमें दर्द होगा। किसमें? इसमें चमड़ी में, चमड़ी में दर्द होगा। ऐसे ही जब वो नसें छूटती हैं हड्डियों से, तो हड्डियों में बहुत दर्द होता है। बैंडेज को आपने छुड़ाया तो दर्द किसमें हुआ? जहाँ बैंडेज लगा हुआ है। ऐसे ही जब नसें छोड़ती हैं तब इन हड्डियों में दर्द होता है। तो ये हड्डियाँ चट चट करके ये टूटती हैं, दर्द करती हैं। अब उसके बाद में ऐसे सिमटाव बढ़ा, आगे सिमटाव यहाँ 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 तक हुआ। जैसे जैसे सिमटाव होता है, जैसे जैसे जीवात्मा खींचती है, वो स्थान शून्य पड़ता चला जाता है। और यहाँ पर गुदा चक्र जो है, गुदा चक्र यहाँ पर मल जहाँ से निकलता है थोड़ा सा ऊपर है, पेशाब और उसके पेशाब नली, पेशाब के स्थान उसके नीचे बीच में है गुदा चक्र। चार दल का कमल जिसको कहा गया, चार चक्र हैं, वो बराबर चलते रहते हैं, बराबर कभी भी बंद नहीं होते। वो ऐसी स्थिति में ही बंद होते हैं कि जब प्राणायाम किया जाता है, प्राणों को खींचा जाता है, तब वो रुकते हैं। अब या तो आखिरी वक्त पर वो रुकते हैं, तो उस पर क्या होता है, उस पर देवताओं की छाया पड़ती रहती है, इन कमलों पर छाया पड़ती रहती है। तो जैसे ये चार दल का कमल है, तो दक्षिण दक्षिण की तरफ जो ये पंखुड़ी है, पंखुड़ी को इसको कहते हैं, ये पत्ती को, उस पर देखो दिखाई पड़ते हैं कौन? यमराज दक्षिण दिशा में है उनका, यानी अंडरलोक के निचले हिस्से में दक्षिण दिशा में उनका लोक है। पूरब में दिखाई पड़ते हैं, पूरब में कौन है? देवताओं के जो राजा कहे जाते हैं इंद्र, और उनकी देवी का नाम है पत्नी का सची, सची दिखाई पड़ती है। और वरुण और ऋद्धि सिद्धि और यह सब वहीं दिखाई पड़ जाते हैं। ऋद्धि सिद्धि कहाँ हैं? वो बीच में दिखाई पड़ती हैं। आप ये समझो गणेश जी का यह स्थान है मूल रूप से, मूले ब्रह्मा। देखो यही अगर आप समझो कि रुक जाए, चक्र रुक जाए, आप उठ बैठ नहीं सकते हो, अपने आप चल नहीं सकते हो, सारे अंग पर असर पड़ता है। तो कहते हैं मूले ब्रह्मा तुचे विष्णु साकार रुद्र महेश्वरा। और पट्टी पट्टी देवाना, पट्टी पट्टी देवाना वृक्ष राजा नमस्ते। इस शरीर को एक पेड़ बताया है, कैसे कैसे समझाया है जीवों को संतों ने कि किसी भी तरह से समझ में आ जाए। तो कहा यह कि पेड़ की तरह से है मूले ब्रह्मा। आप ये समझो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा ये अनिसृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मा ने ही सृष्टि को रचा है। आप समझो मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णु, आप समझो कि विष्णु पालन करने वाले हैं। तो ये समझो कि ये अनि जैसे ये त्वचा भी कट जाए, त्वचा मन ये खाल तो दर्द होता, मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णु। और शाखा रुद्र महेश्वरा, ये जो अनि आप समझो भुजा है, और ये जो अंग हैं काम करते हैं, ये हृदय चक्र से यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो इन पर शिव का सब कुछ वो चलता है। आप ये समझो इनका जोर चलता है, यह संहार करता है। देखो हाथ से ही लोग बंदूक उठा लेते हैं, हाथ से ही पेट पर बार उठाते हैं, हाथ से ही मारते हैं। तो कहा कि यह शाखाएं जो हैं, यह इनमें इनका अंश है। और पत्ते पत्ते देवाना, पत्ता किसको कहा गया? पत्ता रुए को कहा गया है। एक पत्ते होते हैं वृक्ष में, बहुत होते हैं, पेड़ में बहुत पत्ते होते हैं, तो पत्ते पत्ते देवाना।
अब देखो इसकी पुष्टि कर दूं, पुष्टि कर दूं इसकी। गोस्वामी जी महाराज ने कहा इंद्रिय द्वार झरोखा नाना और तह तह सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विश्व बयारी तुरते दिए कपाट उभाई। आप ये समझो रोम रोम में देवता बैठे, पत्ते पत्ते देवा नाम, देवा माने अनि देवता, तो रोम रोम में देवता बैठे हुए। अब इनका काम क्या है? विषय वासनाओं को उभारना, वो तो आगे का विषय रहेगा। आपको तो मैं अभी जो बता रहा था उसको पूरा कर दूं। तो आप ये समझो कि वो स्थान सुन्न पड़ा, जब कौन स्थान गुदा चक्र, गुदा चक्र रुका जब तो वो सुन्न पड़ा। अब वो जब सुन पड़ा तो जीवात्मा धीरे धीरे ऊपर खिसक रही है, और धीरे धीरे जैसे खिसक रही है तैसे ऐसे धीरे धीरे क्षमताओं हो रहा है। अब उठना बैठना मरने वाले का बंद हो गया। अब वो पड़ा है तो पड़ा ही है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कोई उठा के भी अगर बैठाना चाहे तो बैठ नहीं सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह निर्जीव हो गया। अब इतना दर्द होता है कि पड़ा पड़ा ही रोता रहता है, जबान भी उसकी बंद होने लगती है। कब? जब ऊपर का और खिंचाव बढ़ता है तो क्या बोल पाएगा। लेकिन खिंचाव शुरू कहाँ से होता है? नीचे से ही होता है। अब यहाँ पर जब पहुँचे तो यहाँ पर जो छाया पड़ती है विष्णु की लक्ष्मी की, ये जो अनि नाभि चक्र कहा गया, ये भी अनि सिमट जाता है। कैसे? ये कमल है, कमल का फूल देखा होगा आपने, ऐसा ऊपर रहता है ऐसे और ऐसा रहता है, और वही जब खेल जाता है तो उसकी पंखुड़ियाँ ऐसे फैल जाती हैं। तो ये जो चक्र हैं इनमें कोई ऐसा है भी, ऐसा भी है और कोई खिला हुआ भी है, लेकिन चाहे ऐसा हो और चाहे खिला हुआ हो, अभी तो ये जब तक इसमें जान है ये चक्र चलते हैं तब तक ये पंखुड़ियाँ चाहे ऐसे हों चाहे ऐसे हों, लेकिन जब ये प्राण निकल जाते हैं, जब जीवात्मा इधर से हट जाती है, तब इनके पंख ऐसे हो जाते हैं, नीचे की तरफ हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, कोई जान नहीं रह जाती है। तो ऐसे ही ये मुरझाते चले जाते हैं, तब यह स्थान सुन्न पड़ जाता है। फिर उसके बाद में फिर इधर बढ़े तो यहाँ पर ये जो चक्र है शिव जी का स्थान, यहाँ पर वो चक्र है वो भी रुक जाता है, और फिर वो कमल मुरझा जाते हैं ऐसे। अब यह प्राण आगे खींचते हैं, अब यहाँ पर जो प्राण था, यहाँ पर जो प्राण था वो सब खींचता है ऊपर की तरफ जाता है, और फिर यहाँ कंठ चक्र है, यहाँ पर आद्या महाशक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ हैं उनका स्थान बताया गया है, तो वो भी सब सिमटाव होता है, उसका भी सिमटाव होता है। और इन देवताओं की जो ये धारें पड़ रही हैं, अक्ष पड़ रहा है, परछाई पड़ रही है, उनकी परछाई भी फिर नहीं पड़ती है, उधर से उनकी परछाई हट जाती है वहाँ से, तो आप ये समझो उनका उसका भी सिमटाव हो जाता। तो यहाँ तक का यह स्थान सुन, और जब सुन हुआ तब अंदर कुछ नहीं जाता है, अंदर में कोई चीज डाल दो तो बस वो यहीं अटका रहता है। तब लोग कहते हैं भाई पैर तो सुन हो ही गया था, जब सिमटाव हुआ ठंडा पड़ा, जैसे नसों में पानी आया तैसे ये समझो ठंडा पड़ गया, गर्मी खून की खत्म हुई तैसे ये ठंडा पड़ गया, और फिर हाथ भी पकड़ा था कहा ठंडा हो गया, अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन यह है कि अभी बोल रहे हैं कुछ खा पी रहे हैं, डालो तो अंदर जा रहा है, लेकिन जैसे ये सिमटाव हुआ तैसे आप फिर समझ लो कि गला भी रुंध जाता है, खा नहीं सकते। फिर उसके बाद फिर आगे जीवात्मा अब ये खिसकी, और जीवात्मा खिसक करके अब आगे बढ़ी, और फिर उसकी तेजी जब उसमें आई, और ये जो तीसरा तेज जिसको कहा गया पिंडी रसवा द्वार कहा गया, जहाँ पर ये बैठी है उस जगह को जब छोड़ा, तब आप ये समझो मुँह से कुछ जो टुटला टुटला बोल रहा था जो भी बोली भी बंद हो गई। और फिर उसके बाद में फिर क्रिया क्या होती है, फिर ये जब और ऊपर बढ़ी जीवात्मा, जब सिमटाव हुआ और प्राण जब ये निकलने को हुए, तो ये आँख जो है ये आँख के अंदर का हिस्सा, ये जिसको ढेला कह लो गोली कह लो इसको, ये ऊपर की तरफ ऐसे हो जाती है, और जब एकदम प्राण निकल जाते हैं और जीवात्मा झटके से निकलती है,
तब उस झटके से आंखें या तो बंद हो जाती हैं या तो चढ़ करके फिर नीचे आ जाती हैं। अब या तो मुंह खुल जाता है और नहीं है तो पापी कुकर्मी के जो होते हैं, जो शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, कुछ अपनी आत्मा के लिए नहीं करते हैं, भक्ति भगवान की नहीं करते हैं, केवल धन के लिए, सम्मान के लिए, शरीर को सुखी रखने के लिए भक्ति करते हैं, बल्कि भक्ति करते करते शरीर से पाप करते हैं, उनके लिए यमराज के दूत जो आते हैं वो खींच करके जब जीवात्मा को निकालते हैं तो लैट्रिन और पेशाब दोनों हो जाता है। तो जब ये नीचे हो गया ढेला, ऊपर से नीचे हुआ, तो समझ लो फिर गए। नब्ज तो पहले ही बंद होने लग जाए, ढीली पड़ जाती है, और फिर जब यहाँ रहती है जीवात्मा तो मशीन में आता है कि अभी जो है ये अन्य समझो कि अभी आ रहा है, ऐसे ऐसे लाइनें ऐसे ऐसे खींचती हैं उसमें, जो आप ये समझो कि एक्सरे करते हैं वो मशीन से जो चेक करते हैं, और जब जीवात्मा निकल जाती है तो कितना भी आप जांच करो तो उसमें से सीधी सीधी लाइन खींची हुई आती है, कुछ नहीं। कहते हार्ट कमजोर हो गया, यहाँ ब्लॉकेज है, तो नीचे ऊपर ऐसे लाइन रहती है, उसी से पहचान की जाती है कि कितना ब्लॉकेज है, कितना काम कर रहा है, उस समय बिल्कुल सब बंद हो जाता है। तब रोना पीटना शुरू हो जाता है, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाँ पकड़ कर भाई, पैर पकड़ कर छोड़त नहीं, रो रो कहे लुगाई, सैया मत जा अकेले, लाली चुनरिया ओढ़ के, लाली चदरिया ओढ़ के। लेकिन अब पछताने से क्या हो, रोने रोने से कुछ होता है, पर रोने धोने से कुछ नहीं होता, कितना भी सिर पटक लो कुछ नहीं होता है। फिर तो लोग समझाते ही हैं, अब क्यों मोह करते हो, अब इनसे क्या तुमको मिलने वाला है, भैया दुनिया का यही हाल है, जो आया सो गया, एक दिन सबको जाना पड़ेगा, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या ये करके गए, शादी ब्याह सब कर दिया, लड़का लड़की सब लोग सुखी हो, कमाओ और खाओ, इनको भूल जाओ। पड़ोसी आते हैं, कहते हैं भाई जल्दी करो नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगा। अब बताओ तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी, मन कितना भी सवारो इसको, कितना भी सजाओ इसको, लेकिन एक दिन तो इसको जलना ही है, एक दिन तो इसको मिट्टी में मिलना ही है। कितना भी बलवान बन जाओ, कितना भी बड़े देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाओ, कितने भी पंडित मुल्ला पुजारी बन जाओ, कितने बड़े चारों धाम के महंत बन जाओ, लेकिन एक दिन तो शरीर छोड़ना ही पड़े, क्योंकि धरती का नियम यही, विधान यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो भैया ये क्या है, ये मुसाफिर खाना है, ये मुसाफिर खाना है, यही समझना है आज के सत्संग में आपको, कि कुछ दिन के लिए यहाँ हम भेजे गए हैं और ये हमको खाली कर देना पड़ेगा। सराय को, धर्मशाला को, होटल को, कोई अपना का है कैसे मान लिया जाएगा, एक न एक दिन तो उसको खाली करना पड़ेगा। इसलिए इस बात को समझना है, ये काया की कुटी है, कुटी किसको कहते हैं, जहाँ आदमी रहता है, चाहे पत्थर का बना ले, चाहे मिट्टी का बना ले, चाहे ये फूस घास का बना ले, जिसमें रहता है उसको कहता कुटी है। ऐसे ये काया कुटी है, काया यह है क्या, यह हड्डी मांस और यह खाल, इसको काया कहते हैं। तो कहते रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, इसको एक दिन खाली करना पड़ेगा। खाली करोगे तो कहाँ जाओगे, अरे बोलो सोचा कभी, कभी नहीं सोचा। सोचने की जरूरत है कि अगर कुछ नहीं किया, बचने का उपाय अगर नहीं किया यम के रूटों से बचने का, तो मारते मारते कूटते कूटते ले जाएंगे और वहाँ पर नरकों में यानी डाल देंगे, सजा भोगनी पड़ेगी, चिल्लाओगे रोओगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। बहुत दिन तक कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है, चार युग सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, इनकी उम्र है, ये जब चारों युग बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और चौकड़ी जब ये 72 बार जब 72 चौकड़ी बीत जाती है तब एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है।
के कल्प कर्मों के अनुसार नरकों में रहना पड़ता है और नरकों की पीड़ा आप नहीं जानते हो, कभी कभी महसूस करते होगे, जब दम घुटने लगता होगा, जब हवा नहीं चलती होगी, जब कहीं फंस जाते होगे गंदगी में, तब कहते हो नर्क हो गया है, सिंदूर आने में चारों तरफ बदबू ही बदबू आ रही। अगर एक बार मैं दक्षिण भारत में गया तो वहीं पर थोड़ी दूर पर कट्टी खाना था, आप सलाटर हाउस किसको कहते हैं, वहीं पर लोगों ने कार्यक्रम रख लिया। अब वहाँ तो उनकी आदत बन गई थी, उसी तरह आदत बन जाती है आदमी, और वहाँ जब मैं पहुँचा बड़ा मुश्किल हो गया। दयो दयाल दयो दयो पुकारता रहा, गुरु महाराज कब रात खत्म करो, कब समय पूरा करो, कब इनको सुना करके मैं चला जाऊँ, भाई बड़ा मुश्किल। तो कभी कभी महसूस होता है कि ये नर्क है, तो ये नर्क और स्वर्ग, ये जो बीमारी है, ये जो तकलीफें हैं, ये जो गरीबी है, ये जो निंदा है, ये किस लिए आता है? याद दिलाता है कि अगर तुम चेते नहीं तो इससे कहीं ज़्यादा तुमको सब झेलना पड़ेगा। तो भाई देखो अब समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मोटी बात आप समझो कि आपको कुछ वहाँ के लिए भी करना, लेकिन अब सब कहो कि हम सब साधु हो जाएंगे, अब तो हम भगवान को प्राप्त ही कर लेंगे जंगल में जा करके। तो भगवान ऐसे मिलने वाले नहीं है आसानी से, वो जंगल में भगवान को पाने का समय अब गया चला है। कारण क्या है? कारण यह है कि उस समय पर जब जंगल में चले जाते थे, घर का एक आदमी जा करके तपस्या ही करता था तो घर पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे औरत हो और चाहे आदमी। क्यों? क्योंकि उसमें औरत में पतिव्रता होती थी, पति को क्या मानती थी, भगवान मानती थी। एक है धर्म एक व्रत नेमा, काई वचन मन पत पत प्रेमा, पति के पैरों को ही पूज करके वो पार होने की अपेक्षा रखती थी। और पति इतना कर्म इकट्ठा करता था, इतना अनिशक्ति अंदर की ले आता था कि खुद भी पार होता था, इनको भी पार करता था। लेकिन अब वो समय तो रहा, पुरुष पत्नी पत्रधारी होते थे, संयम का पालन करते थे, बच्चा पैदा करने का ही दिमाग में बात नहीं रहती थी, सृष्टि को चलाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए काम करते थे, मनोरंजन के लिए नहीं करते थे। उस समय पर क्या था, नियत लोगों की अच्छी थी, एक कमाता था दस खाते थे। अब देखो दस कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है, हर तरह से आदमी आवश्यकताएं बढ़ गई, आप समझो कि लोगों की जरूरतें जिसको कहते हैं वो बढ़ गई, असीमित हो गई, इच्छाएं लोगों की अनंत हो गई। अनंत किसको कहते हैं, जो कभी पूरा न पड़े इच्छा, ऐसा हो गया। तो अभी समय अगर कोई घर छोड़ करके जंगल में जाएगा भगवान को पाने के लिए तो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। गुरु महाराज हमारे कहा करते थे कि भगवान मिलेगा तो जिंदा जी मिलेगा, भगवान मिलेगा तो इसी मनुष्य रूपी मंदिर में मिलेगा, भगवान मिलेगा तो गृहस्थ आश्रम में ही मिलेगा, और उसको छोड़ करके जो जाएंगे उनको कभी भी नहीं मिलेगा, और उनका मन और चंचल हो जाएगा। तीर्थ लोग जाते थे पहले के समय में शांति के लिए, सुख पाने के लिए, भगवान जिनको भी मान लेते थे, देवी देवता को, उनका दर्शन करने के लिए जाते थे, और उन्हीं पर उनकी नजर रहती थी। किस पर? मूर्तियों पर, जिनका दर्शन करने जाते थे। और अब जब मंदिरों में जाते हैं तो किसका दर्शन करते हैं? औरत आदमी का दर्शन करती है, देखती है कि भगवान से भी सुंदर इनमें कोई है, औरत आदमी को, आदमी औरतों को देखता है, लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को देखते हैं, उधर नजर जाती है किसी की, तो निशाना बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं, कर्म खराब हो गए, बुद्धि उसी तरह की हो जाती है। तो इस समय पर तो भैया समझो कि वैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इस समय अगर कोई कहे कि हम अष्टांग योग करके पार हो जाएंगे, इस समय अगर कोई कहे कि हम प्राणायाम करके पार हो जाएंगे, तो जब उस समय नहीं पार हुए, अब भी लटके हुए हैं ऊपरी लोकों में, तो आप कैसे पार हो पाओ, हमारे समझ में नहीं आ रहा। पार होने का तरीका है जो गुरु महाराज ने आपको दिया है,
जो गुरु महाराज ने पांच नाम बताया है, उनके जाने के बाद आपको बताया गया, कल भी जो लोग आ गए थे उनको भी बता दिया गया, और आज जो आप आए हो नामदान लेने के लिए, शाम को उनको नामदान दे दिया जाएगा, तरीका नाम बता दिया जाएगा, इससे आप पार हो पाओ। इसको जब आप बराबर करो, जब आप प्रार्थना, जैसे देखो सुबह कराई गई प्रार्थना, जब आप करोगे, जब ध्यान लगाओगे जिस तरह बताया गया, भजन करोगे, इससे फिर आपको यानी कोई रोक नहीं सकता है पार होने में। आप समझ लो कि यह रहस्य गुरुदेव का, आपको बताया ना कि संत मत क्या है, आलामत है, आलामत का अंदर की बात को निकाल करके ले आता है, अंदर की चीजों को बता देता, अंदर में लोगों को बोध करा देता है संत मत, जैसा बताया था ऐसे ही ये जो अंदर का रहस्य है ये तब खुलेगा, तब मिलेगा कि जब यह इसको जब देखोगे, जान जाओगे, सुन लोगे, वहां का समझ लोगे, तब इस रहस्य का पता चलेगा। और जब यह रहस्य का पता चल जाए तो यह रहस्य गुरुदेव कर अब बेग न जाने को, और जो जाने सतगुर कृपा, जन्म मरण हो फिर जन्मने और मरने की पीड़ा नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि जन्मते वक्त भी तकलीफ होता है और मरते वक्त भी तकलीफ होता है, और अपार पीड़ा होती है सहजो मौत के समय। सहजो बाई ने कहा सहजो मौत के समय पीड़ा उठाए अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू डंक मारे एक साथ, ऐसा दर्द बदन में होता है मरते समय। तो बाप को क्या पता, क्योंकि मरने के बाद आदमी के लिए तो सब यही कहते हैं, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, लेकिन स्वर्ग कोई देखता है कि स्वर्ग गए कि नरक गए? अरे वही दादा, वही चाचा, वही कुत्ता बन करके, बिल्ला बन करके घर में बैठे रहते, दरवाजे पर बैठे रहते हैं, वही माँ, वही चाची, वही दादी, बिल्ली बन करके आई, चूहिया बन करके आई, वही घूमती रहती है। पता चलता है इन बाहरी आंखों से? पता चलेगा जब रहस्य पता चल जाएगा, अंदर का रहस्य पता चल जाएगा, गुरुदेव की दया जिसको कहा गया वो जब मिल जाएगी, तब फिर बेग न जाने कोई रोक आपका नहीं सकता है कोई बेग। लक्षण सब दिखाई पड़ रहे हैं, ये देखो गर्मी बढ़ती चली जा रही, तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है, अब पानी बरसेगा, ओला पत्थर गिरेगा, अतिवृष्टि होगी, ये सब लक्षण हैं। यह समझो, ऐसे भी छोड़ो, अगर आप देखो लक्षण के हिसाब से देखो, जिसको वैज्ञानिक लोग शोध करके अब समझो के बताने लगेंगे, तो खराब समय आ रहा है चारों तरफ से, लेकिन अब बचना भी है, बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। और देखो प्रहलाद का क्यों नाम है, प्रहलाद का नाम जो नहीं भी जानते थे वो भी लोग जान गए, छोटे बच्चे जो अभी पढ़ते हैं 4-5 दर्जे में स्कूल में, और प्रहलाद का नाम नहीं जानते थे वो भी जान गए। उनको जब घर वालों ने ही बताया कि प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी, अत्याचार का अंत हो गया था, और जो है यानी भक्त की रक्षा हो गई थी, न्याय की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई थी, तो प्रहलाद का नाम वो भी जान गए। अब यह समझो प्रहलाद में अगर शक्ति न होती तो कैसे बचते, कैसी शक्ति? भक्ति की ही शक्ति सही, लेकिन कुछ शक्ति तो थी बचने की, तब तो जान बच गई, और नहीं तो होलिका जला डालती इनको, खुद निकल जाती या जल जाते। ऐसे बचने की भी जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575
6007000। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।